मॉर्निंग बच्चों, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं ग्रह विज्ञान। ग्रह विज्ञान में इकाई 7 का आभा खाद्य पदार्थ में मिलावट। इसकी पहले भी हमने पढ़ी थी मिलावट का अर्थ, परिभाषा, मिलावट से होने वाले हानियां और मिलावट को रोकने के उपाय। अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ताओं द्वारा मिलावट को रोकने के क्या प्रयास किए जाने चाहिए। उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता बाजार का मालिक होता है, उसे अच्छी किस्म की वस्तुओं के उपयोग करना चाहिए और शोषण के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और उनका संरक्षण हो सकता है। दूसरा है मिलावट और मुनाफा खोरी से बचने का एक उपाय यह भी हो सकता है कि मोहल्ले की महिलाएं मिलकर खाद्य वस्तुएं थोक में खरीदें और उन्हें अपनी देखरेख में साफ करवाएं, घिसवाएं और फिर उचित मूल्य पर वितरित कर दें। इससे उन्हें सस्ते व शुद्ध खाद्य पदार्थ आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। फिर मिलावट व भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने का उपाय। मिलावट और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने का उपाय यह है कि व्यक्ति को अपना स्वयं का आचरण सुधारना चाहिए और अपने चरित्र व नैतिक मूल्यों में आस्था रखनी चाहिए और उन्हें बनाए रखना होगा, क्योंकि कानून से अधिक बल आत्मनियंत्रण में होता है। अब है सरकार को चाहिए कि मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखे। काहे में मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखे? सरकार मूल्य वृद्धि पर अंकुश रखे और किसी भी आवश्यक खाद्य पदार्थ की कीमतें अचानक ऊंची होने से रोके। उपभोक्ता को मिलावट के प्रति सतर्क और सचेत रहना चाहिए। जरा भी संदेह होने पर उसकी जांच करवानी चाहिए और संबंधित विभाग में शिकायत करनी चाहिए। और उपभोक्ताओं को संगठित होना पड़ेगा, उन्हें अपना आंदोलन निरंतर सक्रिय और व्यापक बनाना चाहिए। यदि वह संगठित और सशक्त होगा तो शासन भी उनकी बातें सुनेगा। अब है उपयोग में लाए जाने वाले खाद्य पदार्थ। विक्रेता के विभिन्न खाद्य पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य सस्ती व हानिकारक वस्तुओं को मिलाते हैं, जिससे उनके आकार व रूप में खाद्य पदार्थ जैसा हो जाता है। अतः उपभोक्ता शीघ्रता से मिलावट का पता उपभोक्ता को नहीं चल पाता है। अलग अलग खाद्य पदार्थों में सामान्यतः जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनका विवरण इस तरह है। पहला है अनाज। अनाज में मिट्टी, कंकड़, सस्ते तथा सड़े गले अनाज और अनाज की टूटे दानों का मिश्रण मिला दिया जाता है, जो उपभोक्ता आसानी से जिसको नहीं समझ पाता। फिर है दाल। दाल में भी कंकड़ मिट्टी मिला देते हैं, भुनी खराब दाल, आटा व मैदा में पिसा हुआ सफेद पत्थर, सस्ता और बिना साफ किया हुआ गेहूं का आटा, पुराना सड़ा गला आटा, मैदा आदि। दूध, क्रीम निकाल लेना, पानी, अरारोट और अन्य पशुओं का दूध और मूंगफली को पीस कर भी दूध में मिला देते हैं। फिर मक्खन, तो चर्बी, छाछ, अवशेष तथा पिसा पत्थर आदि। घी में क्या मिलाते? वनस्पति घी, चर्बी, उबली हुई पिसी शक्करकंदी, आलू को भी मैश करके घी में मिला दिया जाता है, जो कि आसानी से समझ में नहीं आता। अब है तेल। तो खाद्य पदार्थों में तेल जैसे आलसी में तेल, खनिज तेल व अरंडी का तेल आदि मिला देते हैं। काली मिर्च में पपीते के बीज और चूहे की मैगनी आदि मिलाना। लौंग में तेल निकाली हुई तथा छोटी लौंग मिला देते हैं। जीरा, छोटे कंकड़, सीके और पौधों के बीज। पीसी हल्दी में पीला रंग या पीली मिट्टी मिला दी जाती है।
सूरा गेरू लकड़ी का लाल बुरादा या सूखे लाल बेर के छिलके का बुरा पिसा धनिया रंगा हुआ लकड़ी का बुरादा धनिये की भूसी घोड़ी की लीद का मिश्रण आदि पिसे हुए धनिया में मिलाकर मिलावट की जाती है। इन सब मिलावटी पदार्थों के अलावा आजकल बाजारों में ऐसे बहुत से पदार्थ मिलते हैं जिनमें ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो खाद्य पदार्थों का स्वाद और सुगंध आकर्षण बढ़ाने वाले होते हैं। ये मिलावट किए जाने वाले पदार्थ हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है सुगंधकारी पदार्थ, जिनसे खुशबू आसानी से उसकी बरकरार रहती है। अगर वो खराब भी हो जाए तो उनमें स्प्रे कर दिया जाता है जिससे वो उनमें अच्छी खुशबू आने लगती। तो खाद्य पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। काय में स्वाद बढ़ाने में जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स, आइसक्रीम, मिठाइयां, मांस, कृत्रिम सुगंध का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार मिठाई सही से भी खाद्य वस्तुओं में सुगंध बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है रंगकारी कारक। ये वे कारक हैं जो भोजन को रंग प्रदान करते हैं। किसको? भोजन को रंग प्रदान करते हैं और उन्हें सुंदर बनाते हैं। खाद्य पदार्थों को पकाते समय उनके रंग खराब हो जाते हैं, इसलिए अन्य पदार्थ मिलकर उन्हें सुंदर व आकर्षक बनाया जाता है। इसके लिए कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाता है, किंतु ये भी अधिक मात्रा में प्रयोग करने से हानिकारक होते हैं और कई बार तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी इस मिलावट से हो जाती है। फिर है परिरक्षण पदार्थ। नमक, शक्कर, ऑक्सैलिक एसिड, एथिल अल्कोहल, कैल्शियम, प्रोप्यूरेट आदि का प्रयोग फलों और सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इनकी अधिक मात्रा होने पर शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कृत्रिम मिष्ठान सेक्रिन एक ऐसा कृत्रिम पदार्थ है जो शक्कर के लगभग 400 गुना अधिक मीठा होता है। इसका प्रयोग शक्कर, चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाई आदि बनाने में किया जाता है। सेक्रिन के लगातार प्रयोग से फिर से बहुत बड़ी बीमारी कैंसर होने का डर होता है। सेक्रिन के प्रयोग से लगातार जिस सेक्रिन का प्रयोग होता है तो कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। फिर है पांचवा है स्थायीकारी एवं वाहा करने वाले पदार्थ। ये मिठाई, आइसक्रीम हिमीकृत करके बनाए जाने वाले व्यंजनों की बनावट एवं चिकनाई को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जो पाचन संस्थान पर बुरा असर डालते हैं। फिर इमल्सीकरण। इसका उपयोग बेकरी के पदार्थों जैसे केक, बिस्किट आदि के आयतन में समान आकृति तथा अनाज की बारीकी में उन्नति के लिए किया जाता है। लेसिथिन मेवो एवं डाइग्लिसराइड तथा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल आदि प्रमुख इमल्सीकारक पदार्थ। फिर है एंटीऑक्सीडेंट। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन ए एक ऐसा कारक है जो ऑक्सीकरण की क्रिया को रोकता है, इसलिए फलों एवं सब्जियों को भूरा होने से बचाने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है। अब है कि कुछ मुख्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान हम किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहला है दूध। दूध में मिलावट आसानी से समझ में नहीं आ जाती जब तक कि उसका विशेष प्रकार से जांच या परीक्षण न किया जाए। तो दूध में पानी व स्टार्च मिला दिया जाता है और मक्खन निकाल लिया जाता है। भैंस के दूध में अन्य जानवरों का दूध मिला दिया जाता है। इसे टेस्ट करने के लिए दूध में पानी की मिलावट को लैक्टोमीटर और यदि स्टार्च मिला हो तो दूध में आयोडीन की कुछ बूंदें डालेंगे जिससे दूध का रंग नीला दिखाई देने लगता है। शुद्ध
घी। शुद्ध घी में वनस्पति घी एवं चर्बी की मिलावट की जाती है। किसकी? वनस्पति घी और चर्बी की मिलावट की जाती है। इस मिलावट की जांच करने के लिए थोड़ी चीनी लेकर घी में डालकर हिलाकर 5 मिनट के लिए रख दें। यदि घी में मिलावट है तो लाल रंग की परत ऊपर जम जाती है। फिर तेल में मिलावट आर्जिमोन सत्यानाशी का तेल मिलाकर की जाती है। इससे की गई मिलावट को पहचानने के लिए 1 चम्मच गाढ़ा नाइट्रिक एसिड लेकर 2 मिनट गर्म करें। भूरी या लाल रंग की सतह सत्यानाशी के तेल या आर्जिमोन के तेल की मिलावट को प्रकट करती। फिर हल्दी। हल्दी में मेटनील पीला रंग तथा रेड सॉलिड की मिलावट की जाती है। इसकी जांच करने के लिए 5 ग्राम हल्दी लेकर उसमें कुछ बूंद नमक के तेजाब की डालें, जिससे हल्दी का रंग गुलाबी हो जाएगा और मेथिलीन की मिलावट का पता चल जाएगा। अब है कुछ मानक संस्थाएं जो गुप्ता संरक्षण और पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार ने मानक संस्थाओं की स्थापना की है। पहला है ISI, PFA, EGMAR, FPO। पहले देखते हैं ISI। कुछ खाद्य पदार्थों के मानक ISI तथा EGMAR द्वारा निर्धारित किए गए। इन मानकों द्वारा उच्च श्रेणी के पदार्थ बनाने वाले उत्पादक ISI तथा EGMAR प्राप्त करके अपने उत्पादकों का अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय मानक संस्था ISI द्वारा निम्न खाद्य पदार्थों के मानक निर्धारित किए गए हैं, जैसे पेय पदार्थ, बेकरी, मिष्ठान, अनाज, दालें, उनसे बने पदार्थ, कॉफी, डेयरी उत्पादन, कोको पॉप उत्पादन, फल और सब्जियां, मांस, कुक्कुट उत्पादन, चाय और चीनी से निर्मित उत्पाद। निर्यात किए जाने वाले माल का निरीक्षण भी ISI द्वारा किया जाता है। परिषद द्वारा निर्धारित मानक वाले खाद्य पदार्थ निम्नलिखित हैं: शरबत, सिरका, चाट, डिब्बा बंद पेय पदार्थ, जैम, जेली, मुरब्बा, टमाटर से निर्मित पदार्थ, चटनी, जमाए गए फल व सब्जियां, निर्जलीय फल और सब्जियां, आलू व इससे निर्मित पदार्थ आदि। भारतीय मानक संस्था ISI की स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय मानकों को तैयार करना और उत्पादित वस्तुओं के लिए ISI चिन्ह प्रदान करना। देश के उत्पादों में ISI चिन्ह प्रयोग करने के लिए लाइसेंस देने का अधिकार इस संस्थान को भारतीय मानक संस्थान अधिनियम 1952 के अंतर्गत प्रदान किया गया। कहां? उन अधिनियम 1952 के अंतर्गत। और वस्तुओं को क्रय करते समय यह देखा जाना चाहिए कि उस पर ISI का चिन्ह अंकित है या नहीं। जिन वस्तुओं पर यह चिन्ह अंकित होगा वे वस्तुएं उत्तम होंगी। अब है PFA। खाद्य पदार्थों में मिलावट को प्रभावकारी ढंग से कानून नियंत्रित करने के लिए सफल नहीं रहा तब भारत सरकार ने 1954 में कब बनाया? भारत सरकार ने 1954 में खाद्य पदार्थों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए केंद्रीय कानून खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 बनाया। कौन सा अधिनियम? खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, जिसे संक्षेप में FPA कहते हैं। यह अधिनियम 19 सितंबर 1954 को लागू हुआ। अब है EGMAR। यह भारत का मार्केटिंग इंस्पेक्शन निदेशालय द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अंतर्गत अनाज, मसाले, तेल की गुणवत्ता को कृषि उपज वर्गीकरण एवं विचरण अधिनियम 1937 के अंतर्गत परिभाषित किया गया था। यह श्रेणियों 1, 2, 3, 4 या विशिष्ट उत्तम की साधारण रूप में भी जाती है, जिसे यह स्तर प्रदान किए जाते हैं, उन पर EGMAR का चिन्ह लगा दिया जाता है। यह चिन्ह सामान्यतः खाने के तेल, घी, मक्खन आदि पर देखा जा सकता है। अब है FPO, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए अधिनियम जो 1954 में बनाया फूड प्रोडक्ट ऑर्डर को समूचे देश में लागू किया गया। इस कानून के अधीन अपराध
निर्माण, आयात और विक्रय वर्जित कानून को और अधिक कड़ा बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। एक संशोधित अधिनियम जो मार्च 1966 से लागू हुआ, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने के लिए सात स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालयों के अंतर्गत अंतरराज्य राज्य स्तर पर 5 खाद्य निरीक्षकों का एक दल नियुक्त किया गया और जो कलकत्ता का केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला अदालतों द्वारा सौंपे गए मामलों को लेकर आपसी प्रयोगशाला के रूप में काम करती है। मिलावट का पता लगाने वाले तरीकों का मानवीकरण करने के लिए जांच भी करती है। गाजियाबाद में एक दूसरे खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। 1970 में संशोधन के अनुसार दोषी व्यक्ति को 6 वर्ष कैद, जो मिलावट करेगा व्यक्ति को तो उसको कितना, 6 वर्ष की कैद पर ₹2,000 जुर्माने का दंड है। यदि ऐसे किसी पदार्थ का उपयोग से शरीर में कोई खतरनाक आघात पहुंचता है तो आजन्म कारावास और कम से कम ₹5,000 का जुर्माना हो सकता है। अब है उपभोक्ता संरक्षण हेतु कुछ वैधानिक प्रयास या कानूनी प्रयास। तो भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन, संग्रह, मूल्य नियंत्रण और वितरण को नियंत्रित करने के लिए सन 1955 में उत्पादन, संग्रह, मूल्य नियंत्रण, उपभोक्ताओं के नियंत्रित करने के लिए 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पारित किया। इस अधिनियम की कुछ कमियां जैसे कालाबाजारी, अवैधानिक संग्रह आदि को दूर करने के लिए सरकार ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1981 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1981 में। जो वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्यों के नियंत्रण की दृष्टि से उपभोक्ताओं के हितों में संरक्षण के लिए सरकार समय समय पर कानूनों का संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन करती रहती है और इसके अलावा उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाती है जिससे वे अपना आर्थिक संरक्षण कर सकें और अपनी शिकायतें संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकें। इन सब के लिए सरकार का सार्वजनिक आपूर्ति विभाग उत्तरदायी है। इस विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि निम्नलिखित जो कार्यक्रम है उनको पूरा या पूर्ण किया जा सके। तो कौन कौन से कार्यक्रम है? पहला, उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण के लिए ऐच्छिक उपभोक्ता संगठन को अधिक सक्रिय संरक्षण के लिए ऐच्छिक उपभोक्ता संगठन को अधिक सक्रिय प्रोत्साहन करना, उपभोक्ता हितों को जानने के लिए सर्वेक्षण करना और उत्पादनकर्ताओं, व्यापारियों को मार्गदर्शन और परामर्श देना, भ्रष्ट व्यापारिक तरीकों को रोकने के लिए कानून बनाने व उनको क्रियान्वित करने का प्रस्ताव तैयार करना, नाप तौल के कानूनों, पैक बंद वस्तुओं के नियमों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना, रहने को श्रेष्ठ स्तर के उत्पादक संस्थाओं की वस्तुओं की पैकेट पर उनका ब्रांड या ट्रेडमार्क देखकर ही उन्हें खरीदना चाहिए और क्रय करते समय देखना चाहिए कि उस पर ISI का चिन्ह अंकित है या नहीं। ISI चिन्ह किसी वस्तु की सार्थक गुणवत्ता का प्रतीक होता है। गृहिणी को हमेशा सक्रिय और जागरूक रहना चाहिए और ताकि वो अपने परिवार को इन सब मिलावटों से बचा सके और उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। बच्चों, आज यहीं पर समाप्त होता है और आप इसको लिखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे क्योंकि आपको परीक्षा देनी है। बच्चों, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो पाएंगे।